हर डर को दूर करने के लिए जरूरत है सिर्फ उस एक पहले कदम को बढ़ाने की, और बस रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। जयसेना, इंडिया टीवी, दिल्ली। आइए हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरह से पीएस राठौड़ ने हमारी संवाददाता जया सिन्हा को मोटिवेट किया, और जया को भी कुछ ही सेकंड्स लगे इस अंगारे को पार करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारी संवाददाता जया सिन्हा, जिन्हें पीएस राठौड़ ने ही मोटिवेट किया इस तरह से अंगारे को पार करने के लिए। बहरहाल मैनेजमेंट गुरु पीएस राठौर इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राठौर साहब आपका। थैंक यू। हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में वाकई हैरानी होती है। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना चाहेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग और आग के अंगारों पर चलना किस तरह से इसे कोरिलेट किया जाए। देखिए मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा आज का मैनेजमेंट बिल्कुल आग पे चलने वाला ही मैनेजमेंट है। जगह जगह खतरे हैं, एक डर है, हमेशा एक डर इंसान को रोक देता है, और ये डर कई तरह के होते हैं। आग पे चलना एक स्टेट क्रिएट करता है, और जब स्टेट चेंज होता है तो वो स्टेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आग के कारण जो स्टेट क्रिएट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जब कभी भी प्रॉब्लम आए तो उस स्टेट को पैदा किया जाए, और जैसे ही वो स्टेट पैदा होगा तो वो स्टेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज इंसान डर के छोड़ देता है, जब लगता है पूरे जिंदगी खतरा है, बर्न कर सकता है, फिर भी इंसान आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये गारंटी से बात कहा जा सकता है कि जब इंसान लाइफ पर रिस्क ले लिया तो इंसान सभी चीज़ों पर रिस्क ले लिया। और यही कारण है मैनेजमेंट के लिए आज के लिए आग पे चलना बहुत जरूरी है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि उनका आम तरह का जिंदगी भी एक तरह से आग पे ही चलना है। कई तरह के रिस्क हैं, और हर तरह के रिस्क को रिस्क से क्रॉस करने के लिए हमने इसको मेटाफर बनाया, और वर्ल्ड का एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मेटाफर है। अगर ये मेंटल इम्पॉसिबिलिटी है, तो मेंटल इम्पॉसिबिलिटी जो बाकी लोगों ने क्रिएट किया है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, उस रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर चीज़ को झेलना है, ब्रॉड फेस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। ये कहना सही होगा कि